और अब ग्राउंड जीरो से देखें हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल की ये रिपोर्ट। चुनावी बुगुल बजते ही यहाँ सियासी हलचल जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आज अनाउंसमेंट की है उसके बाद से सियासी हलचल जो है देखने को मिल रही है। अभी हम जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता के साथ जो है बात करेंगे और उनके साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे उनके ओपिनियन जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने अब अनाउंसमेंट की है कहीं ना कहीं 10 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली के इलेक्शन किए जाने हैं उनको लेकर जो है इनकी क्या प्रतिक्रिया है और इनका क्या कहना है उसी वही जानने की कोशिश। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सलाम टी पर। क्या कहना चाहते हैं सर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है क्या कहना चाहते हैं इस ईसीआई के इस स्टेप का? हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, स्वागत करते हैं और आज जनरल पब्लिक और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक यकीन आया है, भरोसा आया है ईसीआई पे कि ईसीआई भी यहाँ का उसने कागजेंस लिया और यहाँ इलेक्शन की घोषणा की। इस घोषणा से लोगों को कम अज कम इतना एतबार आ चुका है कि आने वाले दिनों में जमहूरियत यहाँ जम्मू कश्मीर में बहाल होगी। जो आज तक 10 साल के तक यहाँ जमहूरियत का नामो निशान नहीं था, ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का यहाँ दबदबा था, लोगों की अप्रोच बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जमीनी सतह से जो लोग जुड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाका है हमारा, पसमानदा इलाका है, यहाँ के मल्टीपल इशूज हैं, यहाँ के मल्टीपल इशूज हैं, वो मल्टीपल इशू सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। बेशक डंडोरा था कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन, मगर किसी काम की वो डबल इंजन या ट्रिपल इंजन हमारे लिए साबित नहीं हुई है। बहरहाल आज मुझे यह है कि जमहूरियत पर यकीन लोगों का भरोसा होगा, अपने नुमाइंदे होंगे, अपनी सरकार होगी, अपनी मांगे और असेसिबिलिटी जो गरीब आदमी की एक असेसिबिलिटी एक लोकल नुमाइंदे के पास होती है वो एक अफसर या ब्यूरोक्रेट जो है जिस लेवल का भी होगा उसके पास नहीं होती है, ना सुनवाई होती है ना उसकी वहां पहुंच होती है। तो आज मैं कम अज कम इतने हमारी हम इस बात का स्वागत करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। 20 के बाद हमारी नोटिफिकेशन आने वाली है, 20 को 21 को, तो फर्स्ट फेज वाली हमारा इलाका जो है चिनाब वैली का सारा फर्स्ट फेज में है और कश्मीर में भी जो अनंतनाग, शोपियन, कुलगांव वगैरह का जो 4 डिस्ट्रिक्ट वहां रखे हैं हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस वेलकम को, स्टेप को ग्रास रूट तक अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की जो मेन जो उम्मीदें हैं हमसे उन उम्मीदों पर पूरा उतर पाए। सबसे जम्मू कश्मीर में एक इशू लेकर हम लोगों के पास जाने वाले हैं, यहाँ बेकारी का ग्राफ सारे हिंदुस्तान में कितना कहीं भी नहीं है जितना ग्राफ का लेवल यहाँ है। पढ़ाई के तौर पर आप लेवल देखेंगे तो यहाँ तो गरीब लोगों ने अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई है, ग्रेजुएशन करवाई है, उसके बाद बेकार है। कम से कम कुछ लोगों को मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि यहाँ अगला सिस्टम शुरू होगा लोगों की भलाई के लिए, लोगों की नौकरी के लिए, क्योंकि 12 के बाद तो यहाँ कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। यहाँ स्कीमें रिलीफ ओरिएंटेड होनी चाहिए थी लोगों को जिससे राहत मिले, मगर मुझे नहीं लगता कि इस 10 सालों में लोगों को राहत मिली है। महंगाई आसमान पर पहुंची है, लोगों के पास आमदनी के जरिए खत्म हो चुके हैं, बेकारी लोन की यहाँ सुविधा तो बनाई यहाँ के, ये लोन ले लो, वो रोजगार ले लो, ये करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कागजी तौर पर इन्होंने बहुत कुछ किया होगा मगर उस मल्टीप्लाई से ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि ग्राउंड की सिचुएशन जिन लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए हैं उन लोगों का कर्जों से ठीक है, उन्होंने दुकानें अपने कारोबार वगैरह चलाए, मगर चूंकि मार्केट नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो मार्केट कहां से चलेगी, अल्टीमेटली वो बंद हो रही है और लोग परेशान है। आज से उम्मीद हो गई है कि आज सरकार बनेगी यहाँ जम्मू कश्मीर में, अपने लोगों की सरकार बनेगी और कुछ ना कुछ यहाँ वेलफेयर स्कीमें जो है ग्राउंड पे जरूर उतरेंगी, मुझे ये भरोसा है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे, किस सिमत में ले रहे हैं ये जो आज अनाउंसमेंट हुई और कहीं ना कहीं जो है एक इंतजार जो है खत्म होता नजर आ रहा है। हम स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का, जो जिन्होंने उन्हें इलेक्शन डिक्लेयर किया है, इससे एक खुशी की लहर दौड़ेगी, हम लोग भी काम करेंगे, हमारे लीडर भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज यही है बेरोजगारी है जहाँ पे, और जितना भी पिछली सरकार ने झूठ बोला है जनता के साथ, हम जे बनाएंगे, ढोले ढोले लगाएंगे, हम टनल बनाएंगे, जे करेंगे, मुंह मत से जाते हैं।